नमामि भारत के राजनीतिक मुद्दों पर हो रहे खास शो आपका सांसद में आज हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट के सांसद ददन मिश्रा की। इसमें हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों की और उनके द्वारा किए गए कामों की। वहीं हम जनता से भी जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी राय अपने सांसद के बारे में। तो बिना देरी आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। ददन मिश्रा 2014 में 16वीं लोकसभा से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में वे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार संसद पहुंचे। इससे पहले वो 2007 में बीएसपी की ओर से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे और विधायक भी बने थे। 2012 में ददन मिश्रा ने बीएसपी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और भिंगा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ददन मिश्रा का जन्म 1967 में बहराइच जिले में हुआ था। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। ददन मिश्रा ने 2014 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद को 85,000 से ज्यादा मतों से पटकनी दी थी। उन्हें कुल 3,45,000 से ज्यादा वोट मिले थे। लोकसभा में सांसद की उपस्थिति 93% रही है और ददन मिश्रा ने अब तक 108 डिबेट्स में हिस्सा लिया है और साथ ही इन्होंने अब तक 35 सवाल संसद के पटल पर रखे हैं, जिसमें श्रावस्ती को रेल यातायात से जोड़ने की मांग और आईटीआई मनकापुर के रिवाइवल की मांग और साथ ही श्रावस्ती को टूरिस्ट हब बनाने का मुद्दा उल्लेखनीय है। सांसद ददन मिश्रा ने अब तक अपने संसदीय फंड से करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर बात करें सांसद श्रावस्ती के सोशल मीडिया पर एक्टिविटी की, तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये पहले उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की हिदायत दी और उसके बाद ददन मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को तेज कर दिया। 2017 के बाद से सांसद सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हुए। हालांकि बलरामपुर जिला भारत के अति पिछड़े जिलों में आता है और गांव की आबादी कम पढ़ी लिखी है, फिर भी ददन मिश्रा के ऑफिशियल फेसबुक पर 1,13,000 से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अगर ट्विटर अकाउंट की बात करें तो उनके ट्विटर हैंडल @ddanmishra पर 113 लाइक्स हैं और करीब 3100 लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि सांसद का फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट दोनों भी वेरिफाइड है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता सोशल मीडिया और क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। लेकिन श्रावस्ती की जनता इस बार किस नेता को दिल्ली भेजेगी, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल ये थी आपके सांसद के बारे में पूरी जानकारी। आपके सांसद ने आपके क्षेत्र में क्या किया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम जल्द ही श्रावस्ती के लोगों से मिलेंगे और सांसद के कार्यों के बारे में उन्हीं से प्रतिक्रिया लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।